संदीप ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो लगाकर कुछ नया करने का इशारा किया है। पवनदीप कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वीडियो एक तरह का ये इशारा ही है। पवनदीप ने अपने उत्तराखंड के एक मशहूर मंदिर का वीडियो शेयर किया है। क्या पवनदीप इस मंदिर जा रहे हैं या फिर इस मंदिर के लिए पवनदीप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? फिलहाल इस खबर को जानने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पवन अवतार दोनों का इस मंदिर में आने का इंतजार किया जा रहा है। शायद बहुत जल्द आप पवनदीप और अनीता को इस मंदिर में देख सकते हैं। तो ये कौन सा मंदिर है जिसकी वीडियो पवनदीप ने शेयर की है और चारों तरफ इसकी चर्चा भी हो रही है? भिलंगना ब्लॉक के बासर पट्टी के भल्ड गाँव में बालेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में हर साल बड़ा मेला लगता है और मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। भल्ड गांव में 14 सालों से इस भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। मेले में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं और भगवान बालेश्वर के दर्शन कर मेले का आनंद लेते हैं। बालेश्वर महादेव बासर पट्टी के 32 गाँव के ईश्वर देव है, जिसे श्रद्धालु भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं। मंदिर में सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ भी इकट्ठी होती है। लोगों का कहना है कि इस मेले में थैलों की काफी पुरानी परंपरा है, जो अब तक चली आ रही है। बताया जाता है कि बालेश्वर मंदिर के कपाट केदारनाथ धाम की तर्ज पर खुलने और बंद करने की परंपरा है। माघ के महीने में कपाट बंद हो जाते हैं, जबकि फाल्गुन माह में कपाट खोले जाते हैं। उन्होंने सरकार से इस मेले को राजकीय मेला अनाउंस करने की भी मांग की है। तो आप पवनदीप और अनीता के इस नई प्लानिंग के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई पवनदीप अरुणिता इस मंदिर में जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल के फैंस ने उनके घर के कुछ और पिक्चर शेयर करके उनके फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो पिक्चर सामने आई है उसमें अरुणिता और उनकी माँ को पहचानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा हम नहीं बल्कि फोटो पर मिल रहे कमेंट बता रहे हैं कि अरुणिता की माताजी अरुणिता की मॉम नहीं बल्कि उनकी दोस्त की तरह नजर आ रही हैं। वैसे तो अरुणिता की माँ अरुणिता के लिए माँ कम और दोस्त ज्यादा है, लेकिन आज इस फोटो ने साफ साफ क्लियर भी कर दिया कि अरुणिता और उनकी माँ एक दूसरे से कितना क्लोज है और कैसा रिश्ता शेयर करती है। अरुणिता अपनी माँ के साथ ठीक वैसे ही टाइम स्पेंड करती है जैसे किसी दोस्त या छोटी सिस्टर के साथ करती हैं। अरुणिता अपनी माँ के साथ लाड प्यार और बच्चों की तरह हरकतें भी करती हैं और उनके साथ हर एक बात को शेयर करती है। और जब अरुणिता अपनी दोस्त के साथ सुबह सुबह घूमने निकली तो अरुणिता की माँ भी उस ग्रुप में शामिल दिखाई दी। हाल ही में अरुणिता अपनी माँ पापा की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने घर गई थी। इसी मौके पर अरुणिता ने पार्टी में खूब इंजॉय किया और अपनी दोस्त और माँ के संग खूब काम भी किया, जिसकी पिक्चर सब वायरल हो रही। वायरल पिक्चर में देख सकते हैं अरुणिता मार्केट गई थी अपनी दोस्त और माँ के संग, वहाँ अरुणिता ने खूब मस्ती की। फोटो में अरुणिता की माँ वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं और अरुणिता को देखकर उनकी माँ की उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लोग अरुणिता की माँ को अरुणिता की दोस्त बता रहे हैं। आप इस फोटो के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फाइनली पवन अरुणिता एक दूसरे के हो चुके हैं। जी हाँ, कुछ दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि पवन अरुणिता एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के संग शो करने भी नहीं जा रहे थे और कई शो में पवन अकेले दिखाई दिए। हाल ही में असम के शो में भी अरुणिता अकेले ही पहुंची थी, पवनदीप को छोड़कर वो वहां पहुंच गई थी, जबकि पवन अरुणिता दोनों का वहां शो था। शो एक ही जगह पर था लेकिन पवन अरुणिता अलग अलग पहुंचे, लेकिन ईश्वर की कृपा से पवन अरुणिता के बीच जो मनमुटाव था वो ठीक हो गया। पवन ने कैसे अरुणिता को मनाया वो भी देखने लायक था। हम आपको पहले ही वीडियो में अरुणिता का गुस्से वाला रूप दिखा चुके हैं, जिसमें अरुणिता पवन को नखरे दिखा रही हैं और पवन उन्हें मनाने की लाख कोशिशें कर रहे हैं। अब जब पवन अरुणिता को मनाने में सफल हुए तो अरुणिता पवन के संग उन्हीं की कार में बैठकर वापस मुंबई लौटी हैं। करीमगंज से एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रोग्राम समाप्त होने के बाद पवन अरुणिता प्रांजल का सम्मान किया गया, उसके बाद पवन की कार में अरुणिता बैठी नजर आई। काफी रात तक इनके फैंस इन्हें चारों तरफ से घेरे दिखाई दिए, इनके साथ खूब टाइम स्पेंड किया, दोनों मुंबई के लिए रवाना होते दिखाई दिए। वहीं जब पवन अरुणिता को रात के वक्त एक ही कार में देखा गया तो फैंस भी बहुत खुश हुए और एक बार फिर इस जोड़ी पर ढेर सारा प्यार लुटाया। वहीं न्यू ईयर की तैयारियों के लिए पवन अरुणिता जुट चुके हैं। पिछले साल इन्होंने गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, इस बार पवन अरुणिता अपना नया साल कहां सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ होंगे कि नहीं, इस पर जल्द हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए पवन अरुणिता के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अरुणिता की असम से ढेर सारे फोटोज और वीडियोस सामने आ चुके हैं, जिसमें पवन अरुणिता के लुक ने एक बार फिर से कई सारे सवाल इकट्ठा कर दिए हैं। और इस फोटो से क्लियर हो गया है कि पवन अरुणिता के बीच सचमुच मनमुटाव हुआ है। पवन अरुणिता एक दूसरे से नाराज हैं किसी बात को लेकर। पवन अरुणिता मंच पर तो एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे। इनके बीच प्रांजल खड़े हैं और पवन अरुणिता एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। पवन तो जैसे तैसे अरुणिता पर नजरें डाल रहे हैं, लेकिन अरुणिता पवन से नजरें छुपा रही हैं। और जब अरुणिता पवन को नहीं देखती हैं, तो पवन निराश भी हो जाते हैं, लेकिन पवन हार नहीं मानते और पवन अपने प्यार के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार झुकने को तैयार हैं और अरुणिता के नजरों के सामने बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो ने वाकई फैंस का दिल जीत लिया, जिसमें पवन अरुणिता को देख रहे हैं और अरुणिता उनसे नजरें छुपा रही हैं। कुछ तो बात हुई है जिसकी वजह से पवन अरुणिता एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। अरुणिता ना जाने किस बात से पवन से नाराज है कि वो पवन से बोल भी नहीं रही, और इस शो में वो पवन से पहले पहुंची, उन्होंने एक भी ड्यूट परफॉर्मेंस भी नहीं दी। इस फोटो से तो सच पता ही चल गया और दूसरे फोटो में क्लियर भी हो गया कि जब पवन अरुणिता शो निपटाने के बाद अपने फैंस के बीच जाते हैं, तो लोग इनके साथ खूब सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ भी लेते हैं, और उन फोटोज में भी पवन अरुणिता एक साथ नहीं दिखाई दिए। पवन अलग अपने फैंस के साथ फोटो क्लिक करवाते दिखाई दिए और अरुणिता अपने फैंस के साथ अलग फोटो क्लिक करवाती दिखाई दी। अभी तक पवन अरुणिता की एक साथ वाली फोटोज नहीं दिखाई दी, और जो दिखी उसमें दोनों एक दूसरे से नजरें छुपा रहे हैं। एक फोटो में अरुणिता के पास एक लड़की खड़ी है जो बिल्कुल अरुणिता की बहन जैसी दिख रही है, हालांकि वो अरुणिता की फैन है, और इस फोटो ने फैंस की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। अब आप पवन अरुणिता के बीच मनमुटाव के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता के कुछ दिलचस्प फोटो सामने आ चुके हैं जो आपकी धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी हैं। काफी टाइम बाद पवन अरुणिता क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखे गए, सर्दी को एंजॉय करते देखे गए और तो और एक दूसरे के सिर पर सिर रखकर रोमांस करते देखे गए। जी हाँ, काफी टाइम बाद पवन अरुणिता का ये अंदाज देखकर शायद आप भी कमेंट किए बिना रह नहीं पाए, क्योंकि दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं और इस बार इन दोनों ने अपने इस फोटो से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक बार फिर इस फोटो ने इनकी शादी की बात भी छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि कब शादी करें। दरअसल ये फोटो यूएसए टूर के वक्त की है। यूएसए टूर में पवन अरुणिता अपनी परफॉर्मेंस करने के बाद कॉफी पीने के लिए बैठते हैं। अरुणिता चेयर पर बैठकर कॉफी पी रही हैं, जबकि रात के वक्त पवन उनकी चेयर से टेक लगाकर पोज दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन तब ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तो इनकी फोटोज क्लिक की जा रही थी, और जब उन्हें लगा कि उनकी कोई फोटो क्लिक कर रहा है तो पवन दीप बड़ी हैरानी से कैमरे की तरफ देखते हैं और उनका ये मूवमेंट कैमरे में कैद कर लिया जाता है। ठीक वैसे ही पवन दीप खड़े हैं जैसे कोई पति खड़ा होता है। इनके अलावा एक फोटो में पवन के कंधे पर अरुणिता का सिर है और दोनों रोमांटिक पोज दे रहे हैं। उनके पास साइली कामले भी खड़ी हैं। टीम की कुछ और लड़कियों के साथ भी पवन दीप ढेर सारे फोटो शूट करवाते हैं, लेकिन अरुणिता के संग वाली फोटो ने सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अरुणिता के संग पवन दीप ने जो फोटो शूट करवाया उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज पवन दीप ने अरुणिता के लिए स्पेशल टाइम निकाला है। अरुणिता के लिए बिल्कुल फ्री होकर बैठे और उनके साथ कॉफी पीने का आनंद ले रहे हैं। रात के वक्त अरुणिता ठंड से कांप रही हैं, ऐसे में उन्होंने ब्लैक कैप भी पहन रखी है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर खड़े हुए हैं। वही आपको बता दें, पवनदीप के बेदुपा के गाने की चर्चाएं हो रही हैं। पवनदीप का ये गाना टॉप पर पहुंच चुका है और हर तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। अब तक आपने पवनदीप को बधाई दी है कि नहीं, और आपको पवनदीप अरुणिता का ये लविंग मोमेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।